जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि अजर अमर काल। आप देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते प्लांट ढूंढ रहे हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने के शौकीन हैं और बहुत ज़्यादा ही फूलों से चलने वाले प्लांट यदि आप लगाना चाहते हैं तो इस प्लांट को भी ज़रूर लगाएं। मेरा भी ये प्लांट देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको मेरे स्पॉट में लगा हुआ नज़र आएगा। और देखिए फूलों के साथ साथ मेरे इस प्लांट के आप पत्ते देखेंगे तो मेरा ये प्लांट पत्तों से भी आपको बहुत ज़्यादा भरा हुआ नज़र आएगा। यदि देखिए इस प्लांट पर पत्ते और फूल दोनों ही बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको खूबसूरत लगे हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप इस प्लांट को ज़रूर लेकर आए। ये प्लांट आपको बहुत ज़्यादा ही सस्ता मिल जाएगा। देखिए जब मैं इन प्लांट को नर्सरी से लेकर आया था तो ये प्लांट बहुत ही छोटे छोटे मुझे 7-7 रुपये के मिल गए थे। आप भी देखिए इस प्लांट को अपने घर में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए ये प्लांट विंटर के समय में बहुत ज़्यादा ही चलने वाला प्लांट है। देखिए दिसंबर का महीना चल रहा है, आप यदि इस प्लांट को दिसंबर के महीने में अपने घर में लगाते हैं देखिए किसी भी छोटे से पॉट में भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा ही इससे फूल ले सकते हैं। यदि ये प्लांट देखिए विंटर के समय में बहुत ज़्यादा ही फूलों से चलने वाला प्लांट है तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। यदि देखिए आप इस प्लांट को दिसंबर के महीने भी अपने घर में लगाने जा रहे हैं तो इस प्लांट को अपने घर में बहुत आसानी से लगाएं। और देखिए यदि ये प्लांट आप लगा चुके हैं या लगा रहे हैं तो देखिए ये प्लांट आपको बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत फूलों में दिखाई देगा। देखिए मेरा ये प्लांट सालविया का प्लांट बहुत ज़्यादा ही इस पॉट में भर चुका है। और देखिए ये प्लांट जब मैं लेकर आया था तो इन पर फूल तो नहीं थे, उस समय ये बहुत ही छोटे छोटे मुझे 7-7 रुपये के मिल गए थे। आप देख सकते देखिए मेरे ये प्लांट फूलों से बहुत ज़्यादा ही आपको भरे हुए नजर आएंगे। देखिए सालविया के फूल आपको बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत, देखिए इनके आप बहुत ज़्यादा ही कलर भी देख पाएंगे। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में आज के दौर में पर्यावरण में रहने के लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही प्लांट लगाने होंगे। मेरा भी सालविया का प्लांट कुछ ऐसा ही प्लांट है। देखिए मेरे इस पॉट का साइज़ आप देखेंगे और मेरे पॉट की मिट्टी आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको हल्की नज़र आएगी। कभी भी देखिए आप कोई प्लांट नर्सरी से लेके आते हो तो मैं आपको कई बार ये बता चुका हूँ कि आप अपने प्लांट की मिट्टी चेक कीजिए, आपके प्लांट की मिट्टी लाल है या चिकनी मिट्टी है। तो आप कभी भी अपने प्लांट में देखिए अपने अनुसार ही अपने पॉट के लिए और अपने प्लांट के लिए मिट्टी बनाएं। आप कभी भी नर्सरी की मिट्टी यूज ना कीजिए। देखिए मेरे इस प्लांट को आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ही मेरे इस पॉट में आपको स्वस्थ और बहुत ज़्यादा फूलों से भरा हुआ नजर आएगा। देखिए इसकी कलियाँ देख सकते हैं आप, देखिए बहुत ज़्यादा फूलों से भरी आपको नजर आएगी। आप इस खूबसूरत सालविया को जरूर लगाएं। देखिए सालविया की यदि आप प्लांट लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये प्लांट 20-30 रुपये के बहुत आसानी से नर्सरी से मिल जाएंगे। और देखिए विंटर के समय में यदि इस प्लांट को आप लगाते हैं तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा ही आपका आसानी से चल जाएगा। और देखिए यदि इस प्लांट को आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती देना चाहते हैं तो देखिए इसे बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आप इसे ओपन एरिया में रख सकते हैं। यदि आप इसको 2 या 3 घंटे की दिन में धूप भी दे देंगे तो ये प्लांट आपका बहुत ज़्यादा फूलों से भर जाएगा। देखिए विंटर के समय में हमारे प्लांट जितने भी होते हैं बहुत ही फूलों से चलने वाले प्लांट होते हैं। सालविया भी प्लांट कुछ ऐसा ही प्लांट है। यदि आप सालविया प्लांट को किसी भी छोटे से छोटे पॉट में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। देखिए मेरा ये प्लांट आपको कुछ छोटे पॉट में ही लगा हुआ नजर आएगा। और देखिए मेरे इस प्लांट पर आप पत्तियाँ देख सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा ही भर चुकी है। आप मेरे इस खूबसूरत सालविया की खूबसूरती ही देखेंगे तो देखिए ये अंदाज़ा लगाएंगे कि देखिए ये प्लांट यदि सस्ते प्लांट हैं तो हम भी इन प्लांट को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है, आप कोई भी प्लांट यदि नर्सरी से लेने के लिए जा रहे हैं तो आप बहुत आसानी से इन्हें सस्ते प्राइस में ले सकते हैं। देखिए मेरे सालविया को आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ही फूलों से भर चुका है। और देखिए मैंने अपने इस पॉट में सालविया की 3 छोटी छोटी सी पनीर लगाई थी, देखिए ये बहुत ज़्यादा ही फूलों से भर चुकी है। और देखिए मेरे ये सालविया के प्लांट देखिए फूलों पर बहुत ज़्यादा ही आ चुके हैं। देखिए कभी भी आप कोई भी छोटा सा छोटा या बड़े से बड़ा प्लांट लगाने के लिए जा रहे हैं तो देखिए पॉट के अनुसार ही लगाएं। यदि आपको लग रहा है कि आपका प्लांट छोटे पॉट में चलने वाला प्लांट है तो आप उसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि हमारा प्लांट बड़े पॉट में चलने वाला प्लांट है तो उसे आप कभी भी लगा सकते हैं। देखिए मेरे इस प्लांट को आप थोड़ा पास से देखेंगे तो देखिए प्लांट आपको बहुत ज़्यादा ही खूबसूरती बिखेरता हुआ नजर आएगा। और देखिए धीरे धीरे मेरे इस सालविया पर देखिए फूलों की कलियाँ बन रही है। आप भी इस खूबसूरत सालविया को ज़रूर लेकर आए। देखिए सालविया के प्लांट घर में यदि हम लगाते हैं तो हमारे घर को बहुत ज़्यादा ही खूबसूरती देने वाले प्लांट होते हैं। देखिए सालविया को आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूलों से भरा हुआ कैसे देख सकते हैं। देखिए समय समय पर आप अपने प्लांट की केयर कीजिए। यदि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सालविया को फूलों से भरा हुआ देखना चाहते हैं तो देखिए अभी तक तो मैंने देखिए अपने इस सालविया पर किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए कहीं मेरे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, फूलों के प्लांट होते हैं विंटर के समय में, देखिए मैं इनमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो देखिए देख सकते हैं आप, देखिए रेतली मिट्टी और सैंड का इस्तेमाल करता हूँ और वर्मी का इस्तेमाल करता हूँ। यदि मेरे इस सालविया प्लांट को कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग मुझे करना होगा इस प्लांट में तो मैं बहुत आसानी से कर पाऊँगा। देखिए अभी तक तो मैंने अपने इस सालविया प्लांट में किसी भी फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं किया। देखिए अभी तक
मैं अपने इस प्लांट में चाहूँ तो देखिए डीएपी का भी उपयोग कर सकता हूँ और वर्मी का भी। देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अपने इन प्लांट में वर्मी और सड़ी गोबर की खाद और सैंड का इस्तेमाल करता हूँ। यदि मैं चाहूँ तो अपने इस प्लांट में एनपीके का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखिए अभी तक तो मेरे इस प्लांट को किसी भी फर्टिलाइज़र की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरा ये प्लांट फूलों से बहुत ज़्यादा ही भर चुका है। आप भी इस खूबसूरत सालविया को ज़रूर लगाएं। देखिए सालविया के आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत फूलों के कलर मिल जाएंगे। ये प्लांट आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कलर में भी मिल जाएगा। यदि आप सालविया को अपने घर में लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएं। और देखिए सालविया के आपको बहुत ज़्यादा, इनके देखिए आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए मैं इसके इस प्लांट के बारे में जानकारी दे नहीं पाऊँगा। जितना मुझे इस प्लांट के बारे में पता था मैंने आपको बताया। देखिए इस प्लांट को आप बहुत आसानी से ज़रूर लगा सकते हैं। ये प्लांट आपको कहीं से भी किसी भी आसपास की नर्सरी से मिल जाएगा। देखिए सालविया को यदि आप दिसंबर के महीने में लगाने जा रहे हैं तो ये प्लांट देखिए आपका मार्च तक बहुत आसानी से आपके पॉट में चल जाएगा और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको फूलों से भरा हुआ पाएगा। आप भी इस खूबसूरत सालविया को जरूर लगाएं। देखिए यदि सालविया के प्लांट इतने खूबसूरत प्लांट तो होते हैं और बहुत ज़्यादा चलने वाले प्लांट होते हैं तो इन प्लांट को आप बहुत आसानी से ज़रूर लगाएं। देखिए सालविया को यदि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत अपने घर में देखना चाहते हैं तो इसे बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं और छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। देखिए मेरा ये प्लांट मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए कुछ ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं दिखाई देगा और छोटे पॉट में ही लगा हुआ दिखाई देगा। और देखिए पॉट के अनुसार ही, देखिए आप मेरे पॉट का साइज़ देखेंगे और देखिए मेरे पॉट के अनुसार ही आपको मेरा ये प्लांट बहुत ज़्यादा स्वस्थ दिखाई देगा। देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आप कोई भी विंटर के समय में फूलों के प्लांट लगाते हैं तो आपके प्लांट की आप देख सकते हैं ज़्यादा। देखिए आप अपने प्लांट में कम से कम पानी की मात्रा ही रखें। यदि देखिए विंटर के समय में कई बार हम अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं तो हमारे प्लांट की पत्तियाँ देखिए थोड़ी थोड़ी पीली पड़नी स्टार्ट हो जाती है। और देखिए मैं अपने प्लांट के अनुसार और अपने पॉट के अनुसार ही देखिए इसमें पानी का उपयोग करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे इस पॉट को और मेरे प्लांट को कितनी पानी की आवश्यकता मैं उतना ही इस प्लांट में पानी का उपयोग करता हूँ। आप कभी भी अपने प्लांट में देखिए पानी की मात्रा कम से कम ही रखें और अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूलों से भरा हुआ देखना चाहते हैं। देखिए मेरी तरह भी आप अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा फूलों से भरा हुआ देखना चाहते हैं तो इसमें पानी की मात्रा कम से कम रखें। देखिए विंटर के समय में हमारे प्लांट को पानी की आवश्यकता ज़्यादा तो नहीं होती। देखिए हमारे कुछ बहुत ज़्यादा ही विंटर के समय में फूलों से चलने वाले प्लांट होते हैं और उन्हीं में से मेरे सालविया के प्लांट हैं। देखिए जिन्हें मैंने आपके सामने शेयर किया, आप इस खूबसूरत सालविया को जरूर लेकर आए। देखिए सालविया इतना खूबसूरत प्लांट है, इतना सस्ता प्लांट है तो इस प्लांट को आप छोड़े मत और इसे आप बहुत आसानी से अपने घर में लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ये प्लांट देखिए आपको मैं बता चुका हूँ कि यदि आप नर्सरी से लेने के लिए जाएंगे तो आपको ये प्लांट 20-20 रुपए के पॉलीथीन बैग में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। यदि आप देखिए इस सालविया को अपने घर में लेने के लिए जा रहे हैं और यदि लेकर भी आ गए हैं तो देखिए इसे 2 या 3 दिन के बाद ही अपने किसी भी पॉट में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप कोई भी प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं तो देखिए सबसे पहले अपने प्लांट की मिट्टी चेक कीजिए। आपके प्लांट की मिट्टी लाल मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है तो देखिए आप अपने पॉट के अनुसार और अपने प्लांट के अनुसार ही बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी इनके लिए खाद बनाएं और इन्हें बहुत आसानी से लगाएं। देखिए मेरे इस सालविया को आप थोड़ा पास से देखेंगे तो देखिए मेरे सालविया के फ्लावर आपको बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत गुच्छों में भरे हुए नजर आएंगे और देखिए धीरे धीरे मेरा ये प्लांट देखिए फूलों से इतना भर जाएगा कि देखिए इसके पत्ते आपको नज़र नहीं आएंगे। अभी तो देखिए मेरे इस प्लांट की बहुत ज़्यादा शुरुआत तो नहीं है, धीरे धीरे मेरा ये प्लांट फूलों से शुरुआत कर रहा है। देखिए धीरे धीरे जब मेरा ये प्लांट कुछ ज़्यादा ही फूलों से भर जाएगा तो बहुत ज़्यादा ही आपको फूलों से भरा नजर आएगा। देख सकते हैं, थोड़ा मैं आपको पास से दिखाऊंगा, देख सकते हैं कलियाँ बहुत ही खूबसूरत के गुच्छों में आपको भरी नजर आएगी। आप इस खूबसूरत सालविया को बहुत आसानी से ज़रूर लगाएं। देखिए सालविया नाम तो इसका सालविया ही होगा और देखिए अपने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूलों से खूबसूरती बिखेरने वाला प्लांट है। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे इस सालविया पर आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही ज़्यादा गुच्छों में फूल देख सकते हैं और इसके पत्ते भी आपको जैसे इसके फूल होंगे वैसे इसके पत्ते होंगे, देख सकते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती इसके पत्ते भी मेरे प्लांट में आप देख सकते हैं। देखिए कोई भी मेरा प्लांट का पत्ता आप देख सकते हैं, कोई भी प्लांट का पत्ता आपको पीला दिखाई नहीं देगा, आपको बहुत ज़्यादा ही ग्रीन पत्ते नजर आएंगे। देखिए मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि आप किसी भी प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती देना चाहते हैं तो इस प्लांट को, यदि मेरे पास देखिए सालविया का प्लांट है, मैं अपने सालविया प्लांट को बहुत आसानी से अपने पॉट में लगा चुका हूँ तो आप भी अपने प्लांट को बहुत आसानी से किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। और देखिए यदि ये प्लांट हमारे घर को बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत बनाने वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा चलने वाले होते हैं तो इन प्लांट को हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए मेरे सालविया को आप थोड़ा पास से देखेंगे, देखिए पत्तों के अंदर ही आपको देखिए कलियाँ फूलों की बनी नजर आएगी। आप देख सकते हैं बहुत छोटी छोटी कलियाँ फूलों की बन चुकी है। इस खूबसूरत सालविया को जरूर लेकर आए। देखिए इतना खूबसूरत प्लांट है और बहुत ज़्यादा ही चलने वाला प्लांट है। देखिए परमानेंट तो नहीं होगा, सीजनी प्लांट होगा। आप इस खूबसूरत सालविया को जरूर लेकर आए। यदि हमारे लिए देखिए हमारे ये प्लांट परमानेंट भी नहीं होते, सीजनी प्लांट होते हैं तो बहुत ज़्यादा से चलने वाले प्लांट होते हैं तो हम इन प्लांट को क्यों छोड़े, हम अपने घर में इन प्लांट को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए आज के समय में, आज के दौर में महंगाई का दौर है, फिर भी देखिए यदि ये प्लांट हमें बहुत ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं तो हम इन प्लांट को जरूर लगाएं। देखिए प्लांट को बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं, प्लांट लगाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। मैंने भी देखिए अपने सालविया के प्लांट आप सभी के सामने शेयर किए,
आप इस खूबसूरत सालविया को जरूर लेकर आए। देखिए जितना मुझे इस प्लांट के बारे में पता होगा मैं आपको बता पाऊंगा। देखिए जितना मुझे इस प्लांट के बारे में पता था मैंने आपको बताया। आप देखिए अपने घर को बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत विंटर के समय में बनाना चाहते हैं तो इस प्लांट को भी जरूर लेकर आए। देखिए आपने अपने घर में विंटर के समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूलों के प्लांट लगाए होंगे। यदि आपने ये प्लांट नहीं लगाया, ये सस्ता प्लांट आपको बहुत आसानी से किसी भी नर्सरी से मिल जाएगा, तो इस प्लांट को ना छोड़े और अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लांट को लेकर आए। देखिए आप अपने मनपसंद का ही सालविया का प्लांट लेकर आ सकते हैं, अपने मनपसंद का कलर चॉइस कर सकते हैं। आपको देखिए मेरे पास तो देखिए इसके कुछ अलग ही कलर वाले फूल दिखाई देंगे। आप चाहे तो अपने मनपसंद के कलर वाले फूल इस प्लांट के लेकर आ सकते हैं और इसे लगा सकते हैं। आप इस खूबसूरत सालविया को जरूर लेकर आए। देखिए ये प्लांट आपको किसी भी नर्सरी पे बहुत ज़्यादा ही दिखाई देगा, आप इसे बहुत आसानी से ले सकते हैं और बहुत आसानी से जरूर लेकर आए और इस खूबसूरत सालविया को ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। देखिए जितना मुझे लग रहा है कि मेरा ये प्लांट बहुत ज़्यादा ही मेरे इस पॉट में खूबसूरती भी खेल रहा है। देखिए आप इस खूबसूरत सालविया को जरूर लेकर आए और जरूर लगाएं।